दरअसल आगरा में जेपी नड्डा की बैठक से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। यहां सादाबाद से आए भाजपा नेता ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता ने विरोध किया और कहा, अभी तक हमने कार्य किया है, अब हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। भाजपा के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि हमारा शोषण किया जा रहा है। पार्टी नहीं चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, तुमने शोषण किया। कार्यकर्ता कहकर शोषण किया तुमने, तुम अत्याचार करोगे। अरे तुम्हारा अत्याचार कभी स्वीकार नहीं करे, इंदिरा गांधी का अत्याचार हमने स्वीकार नहीं किया। तुम आगे 5 सादाबाद में कार्यकर्ता नहीं थे 2014 में जब हमने संत यात्रा निकाली, सादाबाद में 5 लोग नहीं थे। आज 500 वही विरोध कर रहे कार्यकर्ता ने कहा कि जब हथरस में भाजपा के पास 5 कार्यकर्ता भी नहीं थे, तब हमने गांव-गांव जाकर काम किया। भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जेपी नड्डा की बैठक में आया यह शख्स भाजपा पर पक्षपात का विरोध लगाकर हंगामा करने लगा। इस दौरान उसे कुछ लोग समझा रहे हैं तो कई लोग उसे उठाकर घसीट कर बाहर ले जा रहे हैं। व्यक्ति का कहना है कि उसने अभी तक क्षेत्र में कार्य किया है, लेकिन जब टिकट मिलने की बात आई है तो भाजपा पक्षपात कर रही है, अपने को टिकट दे रही है और हमें खेद रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं व्यक्ति को किस तरह पकड़कर वहां से बाहर ले जाया जा रहा है।